आराम से। अच्छा तो ये सस्पेंस आप नहीं तोड़ने वाले? हाँ ये तो मुझे लगता है कि देखने दो, एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा, बट हाँ काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक है वो भी, और जो इस सीजन में हम लोगों ने थोड़ा और ट्रैक वो खोलने की कोशिश की है तो मजा आएगा आई थिंक। हाँ मतलब जब बना रहे थे तो वही कन्फ्यूजन था कि कितना स्प्रेड होगा, कितने लोग देखेंगे, क्या रहेगा, मतलब आई थिंक हम लोग ये तो श्योर थे कि कंटेंट अच्छा बना रहे बट कितने लोग देखेंगे ये नहीं आइडिया था। आने दीजिए, अभी तीसरा वाला जब आएगा ना, ना आपको लौकी खिलाया हम छोड़ेंगे नहीं। क्रांति देवी आप समझती कहाँ अपने आप को, अभी आपके हाथ में लौकी नहीं है, कुछ और आया है, बताएंगे हम आपको। तो ये है कि बहुत कुछ सीखा, और क्या है कि मैं पंचायत का जो माहौल है, जो उस गांव का माहौल है, इस माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही गांव का, बैलगाड़ी चलाता था एक बार बहुत छोटे से। जी मैंने बहुत मेहनत किया उसके लिए, खूब खाया हूँ, अभी तक खा रहा हूँ। देखिए न्यूनेस तो सब कुछ कहानी से ही आता है जी, ठीक है। अगर सेम कैरेक्टर है आपके पास और एक सेम शो है जो आप फिर से बनाने जा रहे हो, तो आप उन कैरेक्टर्स को किस तरह की परिस्थिति में डाल रहे हो, अगर वो बदल दो तो नया अपने आप आ जाता है। तो काफ़ी डिफरेंस है, परिस्थितियाँ बदली हैं सीजन वन से टू में, चाहे वो अभिषेक त्रिपाठी हों, चाहे बाकी कैरेक्टर्स हों, सबकी परिस्थितियाँ धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, और वो जो इवॉल्व होना है वही नया है, और उसको जैसा लिखा गया उसको एग्जैक्टली उस तरह से कैप्चर कर लेना और ऑडियंस तक पहुंचाना, वो चैलेंज होता है। तो मुझे लगता है कि सीजन टू में हाँ प्रेशर है, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेशर तो होता ही है, लेकिन प्रेशर में क्रम्बल कर जाने से या सोचते रह जाने से कुछ बात नहीं बनेगी। तो हमने वही किया जो हम सबसे अच्छा करते हैं, वो है मेहनत, और सीजन टू में भी हमने बहुत मेहनत की है कहानी को लेके। ये कहानी जैसी सीजन वन में थी उससे दो नॉच ऊपर ही जाएगी सीजन टू में, और मुझे पूरा विश्वास है कि सीजन टू भी वैसा ही रिस्पॉन्स हमारी ऑडियंस हमें देगी जैसा।